तो जी धौलपुर के पुराने बाजारों में से एक बाजार है पुराना शहर, और पुराने शहर में एक दुकान है बरसों पुरानी हमारे पचौरी जी की, और ये इनका एक जायका है, और जायकों में जायका एक छोटी कचौरी। सुनने में भले ही आपको लगे कि नॉर्मल सी है, कुछ अनोखा नहीं है, लेकिन इनकी छोटी कचौरी का स्वाद यार आज हमें खींच लाया है ग्वालियर से धौलपुर। और ये छोटी कचौरी भाई हमने बचपन में बहुत खाई है, इतनी टेस्टी होती थी यार, जब भी हमें इसकी याद आती है हम बहुत मिस करते हैं, और तब हम खाते थे 1 रुपए की 8, और आज क्या रेट है वो आज हम आपको बताने वाले हैं। तो भाई आप देखेंगे तो यहाँ पे समोसे भी मिल जाएंगे, समोसे वेड़ई वगैरह सभी जगह मिलते हैं, और आज की डेट में अमूमन ये नाश्ता मॉर्निंग का ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो छोटी कचौड़ी मिलती है आलू वाली मिलती है ना, वो भाई हर जगह खाने के लिए नहीं मिलेगी, और मिल जाएगी तो वो स्वाद नहीं मिलेगा जो स्वाद इनके यहाँ मिलता है। नमस्कार जी अंकल। नमस्कार, कैसे हो अंकल जी? बढ़िया हो? तो अंकल मैं जानना चाहूंगा, मेरी नॉलेज में है कि तकरीबन आपकी दुकान 40-50 साल पुरानी है। 100 साल पुरानी है। तो ये किसने चालू की थी अंकल जी? हमारे पिताजी तोताराम पचौरी ने चालू। अच्छा, तो अंकल जी क्या क्या खिला रहे हो आज गेट में? छोटी कचौड़ी सिख रही है, बड़ी कचौड़ी है दाल की। अच्छा, समोसे हैं, जलेबी हैं। देखिए यहाँ पे हमारे बहुत सारे भाई लोग हैं, और ये हमारे लिए स्वादिष्ट सा नाश्ता तैयार कर रहे हैं। एक भैया वहाँ लगे हुए हैं, और आप देखेंगे तो वो आलू बना रहे हैं, और वो आलू बनाया जा रहा है केवल काय के लिए? छोटी कचौड़ी के लिए। क्यों दादा, छोटी कचौड़ी के लिए? और भाई एक बार जलेबी भी देख लीजिए, जलेबी कुछ यहाँ पर है वो कुछ यूनिक टाइप की है। अरे भैया ये जलेबी किस टाइप की बनाई है आपने? स्पेशल जलेबी है, स्पेशल है जलेबी, स्पेशल जलेबी। तो देखने में कुछ अजीब सी लग रही है, किस तरह से बनाते हो आप ये जलेबी? बनती है आपकी पतली मैदान से। पतली मैदान से बनाते हैं, इसलिए इसमें गाढ़े ही गाढ़े गाढ़े ही गाढ़े दिख रही है ना? नहीं, वो कड़क रहती है। कड़क रहती है। तो किस चीज की बनाते भैया? मैदा, मतलब घी की रहती है, रिफाइंड की रहती है? रिफाइंड की रहती है। तो भाई यहाँ पे जो कचौड़ियाँ बनाई जाती हैं वो बनाई जाती है सरसों के तेल में। आप एक बार कढ़ाई भी देख लीजिए, काफी चमचमाती हुई कढ़ाई है। चलो बस, तो भाई हमने भी लगवा ली है अपनी छोटी कचौरी, क्यूट क्यूट सी है। और ये देखे भाई, ये देखे भाई, ये सांस ले रही है कचौरी। ये देखो, ये देखिए भाई, अभी गर्मा गर्म कचौरी निकल के आई है। और ये कचौरियाँ है भाई 20 रुपए की 6, 10 रुपए की 3। ये साइज भी देखिए, साइज कोई ज़्यादा छोटा नहीं है, मीडियम सा साइज है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कचौरी हमने खाई है भाई 1 रुपए की 8। और ये कचौरी खिंचती थी, क्यों खिंचती थी? क्योंकि इसमें मोमन है ना, वो नहीं होता था। तो और आज देखिए, आज भी एकदम टाइट है, अभी थोड़ा गर्म है। और इस कचौड़ी को खाने का जो मजा आता है ना, वो आता है सौंठ और चटनी के साथ में। अगर आप सब्जी से खाएंगे तो यार वो मजा नहीं आएगा, और अपना अपना स्वाद है। ये देखे भाई, इसकी जो विशेषता है वो इसका जो टाइटपन है वही है जो इसको और कचौड़ियों से डिफरेंट बनाती है। तो भाई लेते हैं इसकी बाइट। भाई पहले इस कचौड़ी को पूरा खत्म करूंगा, उसके बाद बताऊंगा कि इसका स्वाद कैसा है। सही बताऊं तो आज मेरी बरसों की जो तमन्ना थी वो पूरी हो गई, क्योंकि पचौरी जी की कचौरी हमने बरसों पहले खाई थी, और उसके बाद हमने इनको बहुत मिस किया। स्वाद वैसा ही है जैसा पहले हुआ करता था। हरी चटनी है, वो पालक की बनी हुई है, बहुत अच्छा टेस्ट है। और जो असली स्वाद है वो इनकी कचौरियों का है। तो भाई मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी, और मैं आपको एक बार रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप धौलपुर में रहते हैं और पचौरी जी की कचौरियों से, इन छोटी वाले कचौरियों से अगर आप वाकिफ नहीं हैं, तो आप एक बार आके इनकी कचौरी जरूर ट्राई करें। और भाई बात करें एड्रेस की, तो ये एड्रेस है पुराना शहर है धौलपुर में, फूटा दरवाजे से आप अंदर आएंगे तो पचौरी जी की दुकान आप किसी से भी पूछ सकते हैं, कोई भी आपको इनकी दुकान पर ले आएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।